हेलो फ्रेंड्स, मैं कुमकुम सिंह, कुमकुम की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं एक नया डिश ब्रोकली के अचार का रेसिपी बता रही हूँ। ये काफ़ी हेल्दी और स्वादिष्ट डिश है। एक बार बना के आप जरूर ट्राई करें। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मैं आपको ब्रोकली का अचार का रेसिपी बता रही हूँ। ब्रोकली का अचार बनाने के लिए मैं ये हाफ के जी का ब्रोकली खरीदी थी और ये इसका देखिए कट करके धोकर साफ कर ली हूँ। ये 50 ग्राम सरसों है, पीला सरसों। ये कलौंजी है, छोटा चम्मच, एक चम्मच इस्तेमाल करूँगी। ये अजवाइन है, ये सौंफ है, ये मेथी है, इसे मैं भूनूंगी अभी। लाल मिर्च पाउडर है, ये नमक है स्वाद अनुसार डालूंगी और इसमें मैं ये विनेगर, वाइट विनेगर इस्तेमाल करूँगी 2 चम्मच। ब्रोकली को मैं ये पानी लूँ, इसमें 2 मिनट तक थोड़ा खौलाऊंगी इसे। 2 मिनट हो गया है, अब मैं फ्लेम बंद कर रही हूँ। देखिए मैं ब्रोकली को उबाल कर छान कर ये किचन टॉवल में इस तरह से फैला दी हूँ और फैन के नीचे रख दी हूँ। जब ये थोड़ा हल्का सूख जाएगा, हल्का हल्का 10 मिनट में सूख जाएगा, उसके बाद में इसमें मसाला मिलाऊंगी। मसाला में मैं सबसे पहले मेथी को भूनना है, सिर्फ मेथी को ही भूनेंगे। देखिए मेरा मेथी भून गया है, इसमें मैं अजवाइन डालती हूँ। अजवाइन और ये कलौंजी है, इन सबको गर्म करना है। सिर्फ मेथी को ही भूनती हूँ, ये सिर्फ पानी इसका हल्का मॉइस्चर भी नहीं है, इसलिए बस हल्का गर्म कर लेती हूँ। मैं फ्लेम बंद कर दी हूँ, बस जिसका जो पैन का जो हीट है उसी से वो गर्म हो जाएगा। देखिए मेरा ब्रोकली एकदम सूख गया अच्छे से। आधा घंटा तक मैं फैन के नीचे रखी हूँ, अच्छे से सब सूख गया। अब मैं इसे मिक्स करके दिखा रही हूँ। देखिए सूखा मसाला का मैं ये पाउडर तैयार कर ली हूँ। इसमें सारा मसाला भुनी थी सो और सरसों से मिक्स करके पीस ली हूँ। ये सूखा मसाला है, ये अमचूर पाउडर है, ये कश्मीरी मिर्च है, इससे कलर आएगा। ये लाल मिर्च है, इसे टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। अगर आप तीखा खाते हो तो डालिए और कम तीखा खाते हैं तो कम डालिए। ये नमक है, स्वाद अनुसार डालेंगे। ये हल्दी पाउडर है, ये सरसों तेल है, इसी से मिक्स करूँ मैं। कच्चा सरसों तेल है, अचार में कच्चा सरसों तेल ही मिलाएं। ये विनेगर है, ये भी मैं 2 चम्मच डालूंगी। इस तरह से इसको मिक्स कर लें। मुझे तेल थोड़ा कम लग रहा है इसलिए मैं तेल थोड़ा और डाल रही हूँ। ये थोड़ा काला नमक है, मैं पहले डालना भूल गई थी, मिक्स कर दे रही हूँ। इस तरह से इसको चला लें, अच्छे से मिक्स कर दें और अभी से खाना शुरू कर दें क्योंकि ये तैयार हो गया है। ऐसे 2 दिन बाद खाने से और इसका टेस्ट अच्छा आ जाता है। और इसे फ्रिज में रखें क्योंकि इसको उबाल दिया गया है। अगर इसको कच्चा बनाते तो इसको 1 साल तक रख सकते थे, लेकिन ये उबला हुआ है, इसलिए जल्दी खा के ख़त्म कर दें। देखिए ये ब्रोकली का अचार बनकर तैयार हो गया है। आप भी बनाकर जरूर ट्राई करें और बताएं कि कैसा बना आपका यह अचार। मेरे घर वाले तो टेस्ट भी कर लिए हैं, आप भी कमेंट करें कैसा बना।